अभी अंधेरी रात है, कल सवेरा भी आएगा। तुम मेहनत करते रहो, एक दिन तुम्हारी सफलता का सवेरा भी आएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो यहाँ पर हमारे गए थे दूध लेकर, जो कि हमारा पकने के लिए रखा था, जो कि डेली का काम है, तो इसको हम जमा देते हैं। पहले से भी जमा हुआ रखा था जो हमने कल जमाया था, तो आज भी इसी में हम कर देते हैं और ये जम जाएगा, उसके बाद में हम इसका मट्ठा बनाएंगे। तो चलो, हमारा ये तो दूध जम गया है और इसी से हम नीचे का दूध जो हमारा बचा है वो निकाल लेते हैं हम चाय के लिए। वो हम डालेंगे चाय में दूध, क्योंकि जो शाम का दूध था वही हमने ये उबलने के लिए, पकने के लिए रखा था आग पर, तो शाम से ही ये पक रहा है। तो ये इतना हम चाय में डाल देंगे और बाकी का हम इसको सारा दूध जमा देंगे। तो इधर का हमारा काम हो गया है, चाय नाश्ता हो गया है और हमारा खाना भी बन गया था, क्योंकि आज हमने बनाई थी खिचड़ी। क्योंकि कई दिनों से हमारा ये जो हमने चौका लगाया था वो चौका लगा हुआ पड़ा था, तो हमको इस पर करनी थी लिपाई, तो आज हम करेंगे लिपाई। आज टाइम हमने निकाल ही लिया है क्योंकि खिचड़ी बनाई थी तो जल्दी से बन गई थी और सब लोग खा चुके हैं। अब हम पूरे घर में करेंगे लिपाई, वो भी हम गेरू और गोबर से। तो चलो आप सभी को दिखाते हैं कि हम पूरे घर में कैसे लिपाई करेंगे। थोड़ा सा ये यहाँ है हमारा, यहाँ लिपाई करेंगे और बरामदे में और कमरे में करेंगे बाद में लास्ट में। तो वीडियो में बने रहिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो मैंने ये बाल्टी में घोर लिया था गोबर को और इसमें थोड़ा सा हमने गेरू डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, तभी थोड़ा सा ही पता चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा था नहीं और दुकान भी खुली नहीं थी तो दुकान से मिला भी नहीं, तो हमने कहा उतने से ही काम चला लेते हैं, फिर दोबारा से फिर से जल्दी से ही लिपाई करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि अब तो बरसात चली गई है तो जल्दी जल्दी अब लीपना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी पन्नी ले ली थी और उसी से हम लीप रहे थे, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हमको डर रहता है कि हाथ से लीपो तो थोड़ा सा डर रहता है, हाथ ये रगड़ता रहता है तो उससे हमारे हाथ में चोट भी लग जाती है कभी कभी। तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप चाहें तो पन्नी ले लो या छोटा सा एक कपड़ा ले लो, उससे बहुत अच्छे से ये झुकियाँ बन जाती हैं और बराबर से लीपते जाओ, झुकियाँ बनाते जाओ, जल्दी भी हो जाता है। तो हम लेने गए थे नल पर पानी, जो कि हमारा ये गोबर था लीपने वाला, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो हम पानी डाल दिए हैं, तो इसमें अब सही हो गया है। एक मग्घा पूरा हमने पानी डाला तब ये लीपने वाला हुआ है। तो किसी किसी से ये भी हो जाता है कि ये जो झुकियाँ हम बनाते हैं ये नहीं बनती हैं, तो ये सीधी सीधी लिपाई करोगे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ये थोड़ा सा हमको गुलाई में लेना है तो अच्छे से बन जाती हैं, क्योंकि पहले पहले हमसे भी नहीं बनती थी लेकिन अब अच्छे से बन जाती हैं। और अच्छे से लीपने के लिए अच्छा सा गोबर भी होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल चिकना सा गोबर होना चाहिए। कुछ जानवरों का गोबर वैसा होता है थोड़ा खुरखुरे टाइप में, तो ये हमारा गोबर था बिल्कुल चिकना सा, जो कि नए जानवरों का जितना ही गोबर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा, और जो भी हमारे पुराने जानवर हो जाते हैं एज वाले उनका गोबर थोड़ा सा खुरखुरा रहता है। तो हम लेकर आए थे जो हमारे नए जानवर हैं, पड़ियाड़िया हुई है और पड़रा भी है, तो उसी का हम गोबर लेकर आए थे, तो अच्छे से लिप रहा था और बहुत बढ़िया गोबर था, बिल्कुल चिकना चिकना।
अरे यहाँ की ये लिपाई हो चुकी है, अब हम करेंगे बरामदे की लिपाई। जो कि यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा था, खटिया खड़ी हुई थी, कुर्सी पड़ी थी, तो हमने सारा सामान हटाकर अब यहाँ से हम शुरू करेंगे लिपना। तो यहाँ पर हमारी आरोही हमको कर रही थी परेशान, जो कि हमने मोबाइल स्टैंड में लगा रखा था, तो आरोही बार बार उसको छू रही थी, बंद कर रही थी तो कभी चालू कर रही थी। तो हमने उसको फिर कहा कि उधर तुम बैठो जाके, एक तरफ हमारी अभी खटिया पड़ी हुई है, तो हमने उसको वहीं पर बैठा दिया। फिर भी ये मान नहीं रही थी, तो हमें बार बार इसको बोलना पड़ता था कि सही से बैठ जाओ, हम लीप लेते हैं, उसके बाद में तुम देखना। ये दिन भर मोबाइल देखने को ही कहती रहती है, क्योंकि इसको कार्टून बहुत बच्चों को पसंद है, तो कार्टून ही दिन भर देखती रहती है। जब भी मोबाइल खाली रहता है तब ये कार्टून ही देखने लगती है। हमने लिपाई पूरी करके उसके बाद में उधर से लिपाई शुरू की थी, क्योंकि उधर खटिया पड़ी थी और खड़ी भी थी एक, तो सारी फिर खटिया इधर को रखा सारा सामान, उसके बाद में हमने उधर की लिपाई की। तो उसके बाद में थोड़ा सा हमारे पास समय बचा था, तो हमने यहाँ पर अपना घी बनाया था, जो कि हमारी थोड़ी नैनू रखी थी, तो हमने चूल्हे पर इसको गर्म कर लिया था। चूल्हे पर अच्छे से बनता है, वैसे गैस पर भी गर्म कर लेते हैं, लेकिन गैस पर नहीं किया था गर्म, और 2-3 बार की हो जाती है तो हम जल्दी से ही गर्म कर लेते हैं, क्योंकि बाद में इसमें थोड़ा सा वैसा हो जाता है, महक ऐसी आने लगती है अजीब सी। तो हमारा थोड़ा सा ही था 2-3 दिन, तो हमने यहाँ पर इसको गर्म कर लिया है, और देखो हमारा घी बन गया है, अच्छे से पक गया है। तो इसको हम किसी बर्तन में छान लेते हैं। तो आज का ब्लॉग हम दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में।